हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कार सुमित। भाई क्या चमक मार रही है, अब चमक और ज़्यादा मारेगी शाम को, क्योंकि ये जो वाइट वाइट पार्ट है इस पर ही पॉलिश लग जाएगी। आज होने जा रही है सर्विस। अबे यार यहाँ हो रहा है कीचड़, और इसको करने के लिए बिल्कुल ही चिपकना पड़ता है, बहुत ऊंचा पड़ जाता है भाई अपनी हाइट के हिसाब से। और चल कितनी गई है, तो वही 1000 किलोमीटर वाली सर्विस कही है पहली, तो पहले देख लें जरा। अरे यार उधर का इसमें ये भी तो भसड़ है यार, जो ORVM है वो अपने कहाँ गया मीटर, अरे मीटर दिख ही नहीं रहा अभी। हाँ ये रहा 1087, तो वहाँ जाऊँगा तो 1100 कम्प्लीट हो जाएंगे। तो भाई सर्विस में वैसे ज़्यादा तो कुछ है नहीं, कोई कंप्लेंट भी नहीं है, सब कुछ सेट है मामला, बस वॉशिंग यूनी है। अपॉइंटमेंट ले ली थी, और इसमें यह भी यार यहाँ पर बहुत रश रहता है अपने यहाँ, तो अपॉइंटमेंट पहले ही बुक कर ली थी। आज चल रहे हैं ज़रा, और टाइमली मिल जाए इसीलिए मैंने ये कह दिया था, मैंने कहा जब बुलाओगे तब आ जाऊँगा, लेकिन चाहिए मुझे अपना टाइम, बोले लंच जो होता है उससे पहले पहले मेरे को गाड़ी चाहिए, और बस लंच से पहले पहले मिल जाए, होप यही कर रहे हैं। कल वो करवाई थी सामने खड़ी, वो भी चमक रही है देखो, उसमें अपना सस्पेंशन वगैरह जो था सस्पेंशन हुआ, और आगे जो पावर विंडोज़ हैं उनकी मशीन आवाज़ कर रही थी स्टार्टिंग से ही, तो वो दोनों रिप्लेस हो गए वारंटी में ही, तो वो भी मैंने यही कह दिया था सुबह जब बुलाओगे तब आ जाऊँगा, लेकिन चाहिए मुझे अपने टाइम से, मतलब पूरा दिन ख़राब नहीं करना भाई, लंच से पहले पहले, सुबह जल्दी चले जाएंगे लेकिन लंच से पहले गाड़ी मिल जाए तो अपने पास दिन रहता है बाकी के काम करने के लिए, है ना। तो ये है कुछ इस तरह की कहानी। और यार ये बड़ा गंदा सा लगता है, ये जो है ना सफ़ेद सफ़ेद हुआ पड़ा, ये देखो ये जो ऊपर चढ़ा हुआ है इसके। अब जो मैंने ओरिजिनल इसका है वो मंगवा रखा है, अभी जो उनके पास है विदाउट कटिंग वाले हैं यहाँ पर, और जो आने हैं वो कटिंग वाले आने हैं, अब इसीलिए उसी का ही वेट हो रहा है बस, नहीं तो देखने में कितना भद्दा सा लग रहा है, देखो सफ़ेद सफ़ेद सा सब। बस कोल्ड स्टार्ट हो जाए ज़रा, 30-35-40 सेकेंड निकलते हैं फिर, और देखो क्या बात है 16 पॉइंट्स है भाई ये, 16, 15.8 और 16.5 इसके बीच में ही घूमता रहता है, ये चीज़ अच्छी है इसकी। तो निकलते हैं फिर भाई, हो गया कितना 9:28, बीच में आ गई थी कॉल उस पर लग गया था साइड लगा के, और 1100 किलोमीटर हो गए कंप्लीट। अब देखो कितना 12:30-1 बजे करीब लंच होता है, तब तक तो उम्मीद है हो जाना चाहिए, फिलहाल पहुंच गए, चलते हैं अंदर लगाते हैं अपनी गाड़ी। क्या बात है भाई, गाड़ी हो गई सेट, और लंच से पहले चाहिए थी, और देखो मतलब अभी 10-15 मिनट तो मुझे चेक करते होगा, कह रहे थे पूरा चेक कर लो, और बाकी मैं कह रहा था ना जब ये भाई यहाँ पर पॉलिश लग जाती है ना तब मज़ा अलग आता है, ब्लैक ब्लैक में गजब की चमक रही है। और अब निकलते हैं यहाँ से, और उससे पहले जरा हल्का फुल्का ही देख रहे हो, ये स्क्रैच हुआ, ये हल्का फुल्का कह रहे हैं, देखो अगर चला जाए तो ठीक है, ये हुआ, इस पर ज़रा ट्रीटमेंट कुछ होगा तो करवा देते हैं, चला जाए अगर ठीक है, नहीं तो लेकर निकलेंगे फिर, बस सेट हो गया मामला, बिल्कुल चमक गई है गाड़ी। वैसे डैशबोर्ड पर ये चमकान चमकान सी तो अच्छी लगती है, मतलब जब पॉलिश लग जाती है, लेकिन उसके बाद जो रिफ्लेक्शन आता है ग्लास में, फेड रहे तो अच्छा नहीं लगता, और चमक जाए तो भाई रिफ्लेक्शन आती है, भी अलग ही सीन है। वह टाइमली गाड़ी छूट गई है अपनी, और वह कुछ था भी नहीं, लेकिन फिर भी इस XUV700 के लिए अलग से कुछ प्रोसीजर है, क्या क्या चीज़ें हैं पता नहीं, जो आप खुद सुनोगे तो आप कहोगे यार इसका इससे क्या मतलब है, लेकिन कहीं ना कहीं वो टीम जानती है कि कुछ ना कुछ लिंक है, मतलब है, तो भाई वो उस हिसाब से टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन टाइमली मिल गई, मेन चीज़ ये है लंच से पहले चाहिए थी, लंच से पहले मिल गई अपन को गाड़ी, और फिलहाल तेल भी थोड़ा कम ही रह गया इसमें, अब तक मैंने एक बार डलवाया था 4800 का तेल डीजल, और फिर उसके बाद 1400 रुपये का, मतलब करीब 6200 का इसमें अब तक डलाया, और गाड़ी चल गई कितनी 1111 किलोमीटर की, देखो तो एवरेज भी ठीक ठाक दे ही रही है, बाकी सब सेट है मामला। फिलहाल इसको रखते इतना ही, अब आगे निकलना मुझे हल्द्वानी वगैरह, और क्या ही दिखाऊंगा उसमें, जो होगा तो इसमें जोड़ देंगे, नहीं तो फिर यहीं तक का रखते हैं। जय हिंद।